क्या आप जानते हैं एक ऐसी रहस्यमयी खाई जहां 50 साल से आग जल रही है, और एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां पानी ऊपर की ओर बहता है और गेंद हवा में ठहर जाती है। और क्या आप जानते हैं एक ऐसा हिल्स जहां गाड़ियां कई किलोमीटर तक बिना पेट्रोल के चलती हैं। अगर आप ऐसे फैक्ट जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। हम जिस खाई की बात करने वाले हैं उसे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इस खाई को जहन्नुम का रास्ता वे टू होल कहते हैं, तो कोई इस जगह को नरक का दरवाजा गेट्स ऑफ हेल भी कहते हैं। इस खाई को रहस्यमय इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ लगातार साल 1971 से यानी लगभग 50 साल से भीषण आग जल रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस खाई को इंसानों ने ही बनाया है, और इसमें आग भी इंसानों द्वारा ही लगाई गई है, और तब से लेकर आज तक यह जल रही है। किसी भी जगह आग लगाने पर मैक्सिमम 10 या 15 दिन तक आग जलती रहती है, लेकिन यह आग साल 1971 से लेकर आज तक जल रही है। अब सवाल ये आता है, आखिर ये इतनी बड़ी खाई कैसे बनी, और अगर बनी भी तो इसमें आग कैसे लगी और बुझ क्यों नहीं रही है। दरअसल 1971 में पता चला कि यहाँ बहुत सारा प्राकृतिक गैस और तेल है, जिसके बाद यहाँ खुदाई करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे पहले खुदाई शुरू हो पाती, ड्रिलिंग करते वक्त अचानक एक बड़े एरिया की मिट्टी अपने आप ढह गई और वहां अचानक खाई बन गई, जहां से बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। अब यह मीथेन गैस खाई से इतनी अधिक मात्रा में निकलने लगी कि आसपास के कई गांव के लिए यह खतरा बन गया था। इस गैस से जान बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका इसे जलाना समझा, इसलिए इसमें आग लगा दी गई। इन्होंने सोचा कि यह गैस कुछ दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका अनुमान गलत साबित हुआ। यह आग कभी बुझी ही नहीं और अब तक जल रही है। आपने मैग्नेटिक हिल्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में पड़ती है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पहुँचने वाली गाड़ियाँ बिना पेट्रोल और धक्का मारे ही 4 किलोमीटर तक चल सकती है, वो भी 20 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से। अगर आप सोच रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में तो कार न्यूट्रल करके ढलान पर उतारी जा सकती है, तो इसमें रहस्यमयी क्या है? मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक हिल्स में वहाँ गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर की ओर जाती है और साथ ही नीचे भी आती है, वो भी बिना गाड़ी स्टार्ट किए। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आप अपनी कार को बंद कर दीजिए, फिर देखिए वो कैसे 20 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर खुद ही चढ़ने लगेगी। बस आपको स्टीयरिंग संभाल कर रखना होगा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। और हाँ, जब गाड़ी इस हिल से नीचे उतरती है तो स्पीड 30 किलोमीटर/घंटे तक पहुंच जाती है। जमीन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि हवा से गुजरने वाली प्लेन भी इस चुंबकीय प्रभाव से खुद को नहीं बचा पाते। मैग्नेटिक हिल्स के ऊपर से प्लेन उड़ा चुके पायलट का दावा है कि यहाँ से गुजरते वक्त प्लेन में हल्के झटके महसूस होते हैं। यही वजह है कि पायलट इस एरिया में एंटर करने से पहले ही प्लेन की स्पीड को बढ़ा लेते हैं, ताकि प्लेन को पहाड़ के चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सके। अगर आपको कोई बताएगा कि दुनिया में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ पानी ऊपर की ओर बहता है और गेंद हवा में ठहर जाती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप ही नहीं बल्कि कई लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। ठीक इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्रूज इलाके में एक ऐसा रिजॉर्ट है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। इस जगह को मिस्ट्री स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह किसी रहस्यमय जगह से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता वहाँ सब उल्टा पुल्टा होता है। वैसे ही यहाँ भी होता है, वो भी सिर्फ एक ही कमरे में, जबकि उस कमरे के आसपास की जगह सामान्य जगह की तरह ही है। इसलिए कई लोग यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण नहीं मानते बल्कि यहाँ कोई रहस्यमय शक्ति को मानते हैं जो कि इस कमरे को प्रभावित करती है। यहाँ अगर पानी गिराया जाए तो वह पानी ऊपर की ओर जाता है। यहाँ अगर आप तिरछे खड़े होकर गिरने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं गिरेंगे, और ऐसा सिर्फ 150 वर्ग फुट के एक कमरे के अंदर होता है। इस रहस्यमय जगह के बारे में तब पता चला जब 1939 में यहाँ एक इमारत बनाने के लिए सर्वेयर ने एक खाली जगह पर चार्ट और अन्य सामान रखा।
तो वह हवा में तैरने लगा और ऐसा सिर्फ एक सीमित दायरे में ही हो रहा था और यह उस समय उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके बाद उस जमीन के मालिक ने वहाँ इमारत बनाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इस जगह कोई रहस्य हो सकता है या फिर यहाँ कोई जादू शक्ति हो सकती है। कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवित होने का प्रमाण उसके अंदर आत्मा का वास होता है। जब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सवाल यह है कि आत्मा में कितना वजन होता है? क्या आत्मा में इतना ज्यादा वजन होता है कि जिंदा इंसान पानी में डूब जाता है और मुर्दा पानी की सतह पर तैरता रहता है? जब कई इंसानों को ले जाने वाली नाव पानी में नहीं डूबती तो फिर नाव के बिना एक इंसान पानी में कैसे डूब जाता है? साइंस कहता है कि पानी में केवल वही वस्तु डूब सकती है जिसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी से अधिक होगा। लकड़ी का घनत्व हमेशा पानी से कम होता है इसलिए वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। लकड़ी के आयतन के अनुसार उस पर वजन रखा जा सकता है, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो या मनुष्य। इंसान के शरीर का डेंसिटी 1.08 होता है जबकि पानी का डेंसिटी 1.01 होता है। यही कारण है कि इंसान का शरीर पानी में डूब जाता है। अब सवाल यह है कि मुर्दा क्यों तैरता है जबकि शरीर तो वही है? आपने ऐसा देखा होगा कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी ऊपर आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पानी में डूबे मनुष्य की मृत्यु के तुरंत बाद उसका शरीर पानी की सतह पर नहीं आता बल्कि उसमें कुछ समय लगता है। पानी यदि ठंडा है तो ज़्यादा समय लगता है, यदि पानी गर्म है तो कम समय लगता है। दरअसल मनुष्य की बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है, करोड़ों बैक्टीरिया डेड बॉडी को नष्ट करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण बॉडी में बहुत छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और बॉडी का घनत्व यानी डेंसिटी कम हो जाता है। जैसे ही बॉडी का डेंसिटी 1.01 से कम हो जाता है वह पानी की सतह पर आ जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहाड़ों के ऊपर घर बनाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शहर ऐसा है जो एक बड़ी सी चट्टान के नीचे बना हुआ है? यह शहर स्पेन में है। यहाँ के लोग बड़े मजे से रहते हैं और वहाँ के लोग अपने घर के छत पर रखी चट्टान को खतरा नहीं मानते बल्कि सुरक्षा मानते हैं। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सर्दी और गर्मी के मौसम में विपरीत तापमान रहता है। यदि ऊपर पहाड़ पर गर्मी है तो नीचे शहर में ठंडक होती है और यदि ऊपर पहाड़ ठंडा हो जाता है तो नीचे शहर में तापमान बढ़ जाता है। 15वीं शताब्दी में लोगों ने हमले से बचने के लिए चट्टान के नीचे शहर बसाया था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।